एवरीवन, वेलकम टू जेबी यूट्यूबर। आज मैं आपको बताऊंगी मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज करती हूँ जिससे जो स्किन पर पिगमेंटेशन है, झाइयां है, स्किन की सारी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जो सनस्क्रीन यूज करती हूँ उससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मेरे चेहरे पर किसी तरह का कोई पिगमेंटेशन नहीं है, किसी तरह की कोई भी झाइयां नहीं है, उसका राज है सनस्क्रीन। फ्रेंड्स, जी हाँ, मैं हमेशा डेली नहाने के बाद, मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन यूज़ करती ही हूँ फ्रेंड्स, जिससे धूप से होने वाली जो स्किन ख़राब है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बल्कि आपकी स्किन है वो पिगमेंटेशन से रहित रहती है। आपके चेहरे पर किसी तरह की झाइयाँ नहीं होती, दाग धब्बे नहीं होते, ये आपकी स्किन को पूरी तरह से एकदम साफ रखता है। और धूप से जो आपकी किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें, उससे आपकी स्किन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। ये सनस्क्रीन इतना ज़्यादा गजब का सनस्क्रीन है फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद में आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। स्पेशली इसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ और मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप इस सनस्क्रीन को यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन दूर हो जाएगा, आपकी स्किन से झाइयाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी फ्रेंड्स। जी हाँ, ये एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है फ्रेंड्स, ये सनस्क्रीन इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको लगाने के बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन में इतना ज़बरदस्त बदलाव आएगा कि सब देखते रह जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आज उस सनस्क्रीन की जितनी तारीफ कर रही हूँ इसकी, उसको मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन सा सनस्क्रीन है जिसको मैं यूज़ करती हूँ और अपनी स्किन का इतना अच्छे से ख्याल रख पाती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, वो सनस्क्रीन है ये रूफ का 50 SPF का सनस्क्रीन जिसे मैं यूज़ करती हूँ। ये है सनस्क्रीन लोशन रूफ 50। यहाँ पर देखिए इस तरह की ये पैकेजिंग है इसकी, इसके अंदर यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसके अंदर है SPF 50+ फ्रेंड्स, जो आपकी स्किन को UVA UVB प्रोटेक्शन देता है और आपकी PA++ UV गार्ड की तरह ये आपकी स्किन पर काम करता है। और इसके अंदर दिया गया है कि ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है और ये वाटरप्रूफ भी है, यानी अगर आप स्विमिंग करते हो या आप पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है जब भी आप धूप में जाते हो तो ये पसीने के साथ नहीं निकलेगा, और आप अगर स्विमिंग भी करते हो तो स्विमिंग के वक्त भी आपके पानी के साथ ये बहकर नहीं जाएगा। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है फ्रेंड्स, जो भी डॉक्टर हैं वो इसे ज़रूर से रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सनस्क्रीन बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। सेल्फ लाइफ दी गई है और इसका प्राइस दी है, इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल है और इसका प्राइस है 350 रुपये फ्रेंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ज़्यादा ये महंगा नहीं है। अगर आप कोई अफोर्डेबल सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो तो ये बेस्ट सनस्क्रीन है। आपको ये हर किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, आपको किसी भी शॉप पर आप इसको ले सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के किस तरह की ये पैकेजिंग है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से सनस्क्रीन लिखा हुआ है और ये इस तरह से ओपन होता है। आप देखिए कुछ ये इस तरह की, ये ऑरेंज कलर की जो ये पैकेजिंग है, इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। आप देखिए नज़दीक से, इस पर लिखा गया है सनस्क्रीन लोशन रूफ 50 और ये बहुत अच्छा आपकी स्किन पर काम करेगा। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। तो आपको देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरह की ये प्रोडक्ट है, ये कुछ क्रीमी बेस है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तीनों टाइप्स के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन पर बिल्कुल भी चिपचिपाहट भी नहीं देता। आपको इसकी थिक लेयर अपनी स्किन पर अप्लाई करनी है, जिससे जो अच्छी तरह से सनस्क्रीन है वो आपकी धूप से प्रोटेक्शन आपको दे सके। तो मैं यहाँ पर सनस्क्रीन काफ़ी यूज़ कर रही हूँ, तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से देखिए आपकी स्किन के अंदर चला भी जाएगा। मैंने यहाँ पर किसी तरह का मेकअप नहीं कर रखा है, सिर्फ मैंने ये लिपस्टिक लगा रखे और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप इसको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा, बाकी आपकी स्किन में आसानी से ये चला जाएगा। तो आप इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से लगाते रहिए, हाँ हल्की सी ये आपकी स्किन पर वाइटनेस देगा, जिससे जो आपकी स्किन का कलर है वो भी फेयर हो जाएगा फ्रेंड्स। जी हाँ, अगर आप कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो आप इस सनस्क्रीन को यूज़ करके जा सकते हो, आपको मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छा ग्लो आएगा। आप देख सकते हो इसको लगाने के बाद जो स्किन है उसका कलर भी चेंज हो गया है और स्किन एकदम
गोरी दिखाई दे रही है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन में कोई फेकनेस आएगी, जैसे आपने कोई बहुत ज्यादा फाउंडेशन वगैरह मेकअप कर रखा है, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको एक नेचुरल लुक लगेगा मिलेगा फ्रेंड्स। और आपकी देखिए ये बिल्कुल आसानी से स्किन के अंदर अब्जॉर्व हो गया है। आप इसे अपनी गर्दन पे और अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके हाथों पर यहाँ पर पिगमेंटेशन हो जाता है, तो आप धूप में जाने से पहले अपने हाथों पैरों पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ आपको ये सनस्क्रीन, बल्कि मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आपको सनस्क्रीन ज़रूर से लगाना चाहिए। अपनी रूटीन के अंदर सनस्क्रीन इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए फ्रेंड्स, और अपनी स्किन को बेहतर बनाइए। पर्सनली सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सनस्क्रीन होता है वो हमारी स्किन की जो 80% जो स्किन की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, क्योंकि धूप से जो हमारी स्किन खराब हो जाती है उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, और झाइयाँ हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है उसको तो ये बहुत ही अच्छी तरह से रोकता है फ्रेंड्स। क्योंकि धूप से जो भी हमारी स्किन खराब हो जाती है उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को, और आपकी स्किन को एकदम गोरा दिखाता है, वाइट दिखाता है, और आपकी स्किन धीरे धीरे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ये सनस्क्रीन ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए और अपनी स्किन को बेहतर बनाइए। इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इतना अच्छा रिजल्ट दिया है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। इसको लेने के बाद मैं आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सनस्क्रीन है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर से प्रेस कर देना फ्रेंड्स, जो भी मेरी नई वीडियो आती है वो सबसे पहले आप देख पाओ। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।